राख जल रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू उड़िया व्लॉग्स। सभी लोग बने रहे मेरे साथ और वीडियो को फुल एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन आ गई हूँ और आज अभी खाना में तो वेज नॉन वेज हो गई, तो इधर राइस ऑलमोस्ट बन गया है और मटन बनाना है और मशरूम है, मशरूम बनाना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करती हूँ। तो राइस जो हो गया है उसका जो माड़ है उसको पहले ड्रेन कर देंगे, फिर बाकी काम शुरू करेंगे। काम शुरू हो गई। सबसे पहले मसाला को कर रही हूँ और प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची विर्ची, गरम मसाला जो रेगुलर है उसको सब मैं इसमें डाल के पीस लूँगी और फिर वो मसाला डाल के मैं बनाऊँगी मटन और मैं बनाऊँगी मशरूम। तो दोनों के लिए मसाला मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये है मशरूम बिल्कुल आपके सामने और इधर मटन है, धोके साफ कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मसाला रेडी कर लूँगी। बने रहिए साथ। मेरा आँख जल रहा है, प्याज का इतना झाग है कि मेरा आँख कैसे जल रहा है। और बस सब रेडी हो गया, थोड़ा इसमें गरम मसाला डाल के ही मैं पीस लेती हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा आता है। और दो चार इलायची और ये जो फूल होता है ना, ये वाला जायफूल, इसको तो मैं बिल्कुल डालती हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है। थोड़ा बस धो के इसको डाल लेना है और बस ठीक है, हो गया सब कुछ। बस पीस लेते हैं फिर चढ़ाएंगे चूल्हे पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा तेल दे के सारे मसाले जो वेज और नॉन वेज के लिए ज़रूरत होगी उसको मैंने सारे मसाले यहाँ सबसे पहले डाल दिए। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर आधा आधा कर लेंगे। मटन के लिए उधर प्रेशर कुकर चढ़ाई हूँ और उसमें मैं आधा ले लूँगी और इधर मशरूम के लिए मैं आधा ले लूँगी। तो इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए अच्छे से छोड़ते हैं। सारी जो पाउडर मसाले हैं वो भी इस वक्त हम मिला के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला का जो झाग है, तेल का झाग सब आंखों में लग रहा है और खांसी आ रही है, इसीलिए मैंने चिमनी ऑन कर दिया है। थोड़ा ऊपर में है तो स्टूल पे चढ़ के मैं चिमनी ऑन कर ली और अभी चिमनी का आवाज़, मसाला का आवाज़ और ये सब आवाज़ भैंग वो उधर मटन चढ़ाई हूँ प्रेशर कुकर में, इधर मसाला फ्राई हो रहा है, इधर प्याज फ्राई हो रहा है प्रेशर कुकर में, प्याज मटन ये सब थोड़ा ऐसे फ्राई हो रहा है उसका पानी सूखने तक। तो ये फ्राइड मसाला जो है मटन में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा रख देंगे मशरूम के लिए। तो यही सब चल रहा है।
तो फ्रेंड्स ऐसा जल्दी बनता है। और मसाला हाफ कुक हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बोलूँगी थोड़ा और 5 मिनट कर लेती हूँ। तेल भी आ रहा है ऊपर, छोड़ रहा है, और हाफ मैं उधर प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और हाफ रख दूँगी यहाँ मशरूम के लिए, हाफ से कम रख दूँगी। तो बने रहेंगे साथ देखने के लिए कहीं कैसा बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मशरूम जो है ना उसके लिए अलग से कढ़ाई चढ़ाई हूँ, इसमें तेल दे रही हूँ और थोड़ा सा 5 फोड़न डाल दी हूँ, और मशरूम को अच्छा से धो के काट के साफ़ कर लिया है। बस अभी उसका पानी निचोड़ के इसको कड़क फ्राई करना है। कड़क फ्राई नहीं करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। मशरूम को अलग से मसाले में गैस पे दाल चढ़ाई हूँ, खुले में दाल कर रही हूँ, ऐसे ही दाल अच्छा लगता है, थोड़ा थिक रहेगा और खुले में अच्छा से बॉयल हो जाता है तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा करने लगता है। फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसको छौंक कर लगाना है। और इधर मटन को बीच बीच में इसको स्टीम में पका रही हूँ, और इधर मशरूम फ्राई हो गई है। मशरूम फ्राई हो गया है अच्छा से लाल करके, आलू भी डाला हुआ है। अब इसको वो मसाला वाला जो पैन उधर रखा हुआ है ऑरेंज कलर का, अब उसमें मशरूम को ऐड कर दिया है। अभी उसको थोड़ा बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे, इसको ऐसे थोड़ा बॉईल करने देंगे अच्छा से। आलू भी है इसमें तो इसको अच्छा से बॉईल करने छोड़ेंगे। और मटर इधर इसमें पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए, इसको भी बॉयल करने छोड़ेंगे। इधर दाल बन गई है, खुले में दाल बनाते हैं उसको भी थोड़ा बॉयल करने छोड़ेंगे। बस राइस बन गया है, थोड़ी देर बाद सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ इसी बीच में। ये मशरूम ऐसे बन गई है, मसालेदार खुशबूदार। और दाल का छौंका भी लग गया है, और 5 फोड़न प्याज मिर्ची जीरा ये सब डाल के आप अपने हिसाब से टमाटर वमाटर भी डाल सकते हैं। कितना अच्छा कलर आया है। इधर राइस भी रेडी है, तो प्लेट लग गया है मटन और राइस, मेरा हस्बैंड का राइस और मशरूम। तो कैसा लग रहा है बताइए, थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। आज संडे है फ्रेंड्स, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ट्राइडेंट गैलेक्सी, मेरे ससुराल के अपार्टमेंट, और सास से मिलके थोड़ा जाऊंगी। तो यही है एंड, और कुछ ज़्यादा दिखाने का नहीं है। फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एंड बाय बाय।